देख रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ। मूवी के बारे में क्या कहना चाहोगे, कैसी लगी? मूवी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। आयुष्मान खुराना तो मेरे फेवरेट एक्टर है, मैं उनकी सारी मूवी देखती हूँ। जैसा कि ड्रीम गर्ल है जो कि सुपर डुपर स्टार कॉमेडी मूवी थी, इसमें भी कॉमेडी एंड प्लस इमोशनल मूवी भी है, तो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा। 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगी और मैं कहना चाहूँगी कि आप सब भी जाओ देखो और मूवी एंजॉय करो, काफ़ी अच्छी लगी। इससे हमें काफ़ी सीख भी मिलती है। कंटेंट वाइज कैसी लगी? एक अलग कंटेंट है आयुष्मान। हाँ, कुछ अलग सा उसमें दिखाया गया है। उनको औरतों की पढ़ाई करनी होती है बट उनको नहीं मिलती, गायनेकोलॉजिस्ट की पढ़ाई करते हैं वो, उनका मन नहीं होता वो सब्जेक्ट चूज करने का, बट फिर भी उनको ये मिलता है और बहुत ही अच्छे तरीके से वो पूरे कम्प्लीट करते हैं। एंड एंड में बहुत ही अच्छे डॉक्टर बन के बाहर आते हैं, तो आप लोग भी जाओ मूवी देखो। शेफाली जी भी है मूवी में, उनकी एक्टिंग के बारे में कुछ आप बताना चाहोगे? हाँ, उनकी भी एक्टिंग अच्छी ही लगी। एंड डायरेक्टर ने जिस तरह से एडिटिंग लेवल हो गया, सिनेमाटोग्राफी हो गया, कट शॉट्स हो गया, उसके बारे में कितना रेटिंग देना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे? 4 स्टार देना चाहूँगी। और आयुष्मान की एक्टिंग के लिए? 5 स्टार, वो मेरे फेवरेट एक्टर है, मुझे उनकी सारी मूवी बहुत ही अच्छी लगती है, तो अभी भी मैं 5 स्टार दूंगी। ड्रीम गर्ल भी काफ़ी अच्छी लगी थी, आई थिंक 2 भी आने वाली, तो मैं ज़रूर देखने आऊँगी। आप सब भी जाओ, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। डॉक्टर हमारे लाइफ के लिए, सेविंग के लिए कितना कुछ करते हैं, तो उन्हें हमें समझ के लेना चाहिए। ओवरऑल लास्ट में 5 आउट ऑफ कितने स्टार? 5 स्टार, बहुत अच्छे लगे। आप लोग भी जाओ, अच्छी लगी मूवी। कुछ बताना चाहोगे मूवी के बारे में, आयुष्मान जी के बारे में कैसी लगी? बहुत अच्छा रोल डॉक्टर का उन्होंने किया। और शेफाली जी भी है उसमें, उनका किरदार कैसा लगा? अच्छा था। और कंटेंट वाइज स्टोरी के बारे में कैसी लगी? अपने कुछ सीखा? हाँ, सीखा मतलब जो औरतें शर्माती हैं कि बच्चा पैदा करना है या सब, मतलब वो शर्माना नहीं चाहिए, डॉक्टर हो या लेडीज हो या जेंट्स करवा सकते हैं। 5 में से कितने स्टार्स दोगे आयुष्मान की एक्टिंग के लिए? 5। शेफाली जी की एक्टिंग के लिए? हाँ, उनका भी अच्छा था, उनका भी 5। और ओवरऑल कितने एक्टिंग के लिए, पूरी मूवी को कितना स्टार्स दोगे? 5 में से पूरा ही तो दे रही, 5। थैंक यू। कैसी लगी मूवी आपको? बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया देख के। आयुष्मान खुराना रॉक्स। एंड जो भी बॉयकॉट करते हैं ना बॉलीवुड को, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, आप आके मूवी दो, मैं पैसे दूंगा, फिर बताना बॉयकॉट करना है कि नहीं। और आयुष्मान जैसा कॉन्सेप्ट है मूवी का, वो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, डॉक्टर जी जो आयुष्मान खुराना, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। और इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? रकुलप्रीत भी है, उनकी और आयुष्मान की केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? ओके था, बट मूवी रॉक्स। 5 में से कितना स्टार दोगे आयुष्मान की एक्टिंग को? 5 में से 5। और रकुलप्रीत की? 5 आउट ऑफ 3। और ओवरऑल कितने स्टार दोगे? 3 स्टार्स। बट बहुत मज़ा आया मूवी देखने में। थैंक यू। तो कैसी लगी आपको मूवी? मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड जो उन्होंने एक्टिंग किया है ना, उनका एक्टिंग भी बहुत अच्छा लगा। और अपने को ना इसमें, इस मूवी में क्या एजुकेट कर रहे हैं, लाइक हम लोग रहते हैं ना जो रिलेशनशिप में आते हैं और बिफोर 18 के वो लोग मतलब करते हैं एंड बहुत प्रॉब्लम होती है, सब ऐसा नहीं करना चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब बताया गया है और इसमें एजुकेट किया गया है। और मूवी बहुत अच्छी लगी। आयुष्मान की एक्टिंग के बारे में, रकुलप्रीत भी है, वो लोग हाँ, केमिस्ट्री कैसी लग रही है? हाँ, बहुत अच्छी लगी। और आयुष्मान खुराना का एक्टिंग तो बहुत ही अच्छा लगता है हमेशा से, और इस मूवी में भी उन्होंने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है। सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, हाँ, ये सब भी बहुत काफ़ी अच्छा लगा कि बहुत बढ़िया है ये, सोसाइटी को मैसेज जाएगा। हाँ हाँ, ये बहुत सोशल मैसेज जाएगा, बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। और आपको ये ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपका पैसा वेस्ट हुआ। अब 2 आवर का मूवी आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा, ड्रामा भी है और इसमें कॉमेडी भी, जो कि बहुत अच्छा लगा। शेफाली जी भी है, उनकी एक्टिंग के बारे में कुछ बताना चाहोगे कि किस तरह किरदार था उनका, कैसा लगा आपको? हाँ, मुझे उनका भी अच्छा लगा, मुझे सबसे अच्छा उसका ये जो हीरो है उनका लगा सबसे अच्छा। एंड रेटिंग्स की मैं बात करूं, रेटिंग में 5 to 5 दूंगा। पिक्चर को कितनी रेटिंग दोगे 5 में से? 5 to 5 दूंगा मैं। और रेटिंग में, और उनको जो आयुष्मान खुराना, उनका तो एक्टिंग हमेशा से ही अच्छा रहता है, उनके लिए 5 out of 5 है। रकुल प्रीत और शेफाली को? हाँ, उन लोगों को 5 to 4 रहेगा। हाँ, थैंक यू। यार मजा आया, लेकिन लास्ट में शेफाली उसकी शादी नहीं हुई ना, उसके अच्छा ही लगा। उसकी चली बड़े बड़े उनकी एक्टिंग के बारे में मस्त, एकदम फर्स्ट क्लास। और रकुल प्रीत, शेफाली, वो लोग की अच्छी बेस्ट। डायरेक्टर ने ऐसा कॉन्सेप्ट लाया, कैसा लगा कॉन्सेप्ट? फर्स्ट क्लास। आयुष्मान खुराना का हमेशा का कॉन्सेप्ट अच्छा रहता है उनका, मतलब उनका क्या बोलते हैं, सोशल अवेयरनेस के ऊपर होता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लास्ट जैसे उन्होंने क्या बोलते, ये बार क्या बोलते, अवेयर किया 18 एडल्ट के रेप केसेस,
एंड ऑल उन्होंने वो बताया कि जो मेल डॉक्टर होते हैं उनको ब्राह्मण परमानेंट नहीं मिल जाएगा। और लास्ट में कैसी लगी फर्स्ट क्लास लास्ट में क्या बोले रोना आ गया, वो जो उन्होंने क्या बोले जान बचा वो देख के रोना आ गया। पाँच में से कितनी स्टार आयुष्मान की एक्टिंग को दोगे? फाइव आउट ऑफ फाइव। सैफ अली? सैफ अली नॉट गुड। आयुष्मान इज आयुष्मान। थैंक यू। और ओवरऑल कितने स्टार दोगे पाँच में? फोर। थैंक यू। अच्छी लगी, जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा अच्छी। और आयुष्मान सर तो आपको पता ही है, जैसे हमारे सोशल सोसाइटी पे वीडियो बनाते हैं, इससे भी उन्होंने बहुत अच्छा सोशल मैसेज दिया और सुपर मूवी। डायरेक्टर के बारे में ऐसा सोशल मैसेज लाना कैसा लगा? डायरेक्टिंग कैसी लगी मूवी की? डायरेक्टिंग बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, बहुत अच्छी लगी। जैसे डायरेक्शंस थे, सब रिलेट कर पा रहे थे, सब जुड़ पा रहे थे। जैसे पुल बैक होता है ना, पहले डिटैच कर दिया फिर वापस अपने तरफ ले लिया। वैसे एडिटिंग लेवल कैसी लगी? एडिटिंग लेवल भी बहुत अच्छा। आयुष्मान की एक्टिंग को कितने स्टार दोगे? 5 out of 10। 10। और रकुलप्रीत? रकुलप्रीत 5 out of 8। 8। सैफ अली? सैफ अली उनको भी 5 out of 8। और ओवरऑल कितना? 5 out of 10। मतलब कह नहीं सकते, बहुत अच्छी। 10। 10। थैंक यू। मूवी बहुत ही अच्छा था, जैसे कि आज के जनरेशन को जो भी पता होना चाहिए इसके बारे में, तो उन लोग अवेयरनेस कर रहे तो ठीक है उसके बारे में। कॉन्सेप्ट कैसा लगा इस तरह का डायरेक्टर? उनके बारे में कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा था, पहले मैं सोचा था इतना चलेगी नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। रकुलप्रीत और आयुष्मान की केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? सही थी, दोनों की सही थी। आयुष्मान की एक्टिंग कैसी लगी मूवी में ओवरऑल हम बात करें तो? आयुष्मान ने ओवरऑल अच्छा एक्टिंग किया है, जैसा कि उसको बताया गया है कि कैरेक्टर, जैसे कि लेडीज अपार्टमेंट में काम करना एक जेंट्स को तो कैसा लगता है, उसने पूरा म्यूजिक था मूवी में, म्यूजिक था बट इतना नहीं, पिक्चर अच्छा था। और हम बात करें सैफ अली, उनकी एक्टिंग के बारे में कुछ आपका? रेटिंग्स तो मैं देना चाहूँगा 10 में से 6.5। आयुष्मान की एक्टिंग को? आयुष्मान की एक्टिंग को 7 to 8। 5 में से 4.3 और 2 ऐसा। रकुलप्रीत को? रकुलप्रीत वॉज रियली नाइस, सो लाइक 4.5 आसपास। और ओवरऑल मूवी को लास्टली 7 वही 7 तक। 7 तक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसी लगी आपको आयुष्मान खुराना की एक्टिंग? आयुष्मान खुराना हमेशा एवरग्रीन हीरो है, हाँ। उसका काम बहुत अच्छा लगा। ये मूवी एक एडल्ट मूवी है, इसके लिए थोड़ी बहुत कॉमेडी है। मूवी का कॉन्सेप्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा, यूनिक है। सोसाइटी को काफ़ी प्रेज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, आपने देखा तो कुछ बताना चाहोगे कॉन्सेप्ट के बारे में? हाँ, कॉन्सेप्ट यूनिक है, अलग है, अलग टाइप का है, तो पिक्चर देखना चाहिए। डायरेक्टर जी ने स्क्रीन प्ले कैसा किया, कुछ सिनेमाटोग्राफी एडिटिंग लेवल कैसा लगा आपको? अच्छा लगा सर। मूवी का मिडवे कैसा लगा, एंडिंग कैसा लगा आपको? एंडिंग अच्छा लगा उसका, और जो ज़्यादा करके मेल डॉक्टर जो है फीमेल गायनिक सब्जेक्ट में नहीं आते हैं क्योंकि मूवी बहुत अच्छी है सर, और सब्जेक्ट भी यूनिक है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। डॉक्टर जी मूवी देखी है, डॉक्टर जी मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि एक एजुकेशन वाली फीलिंग आई मेरे को, बहुत कुछ सारी चीज़ें मेरे को सीखने मिले इस मूवी से। और बहुत ही खूबसूरत आयुष्मान खुराना की, जो हमेशा हम मूवी देखते हैं कि उनकी बधाई दो हो, अंधाधुन हो, बाला हो, ड्रीम गर्ल हो, या फिर जितनी भी उनकी पिक्चर है, सब सोशल मैसेज के ऊपर बेस होती है। और ये मूवी भी सोशल मैसेज के ऊपर, इसमें काफ़ी सारी डॉक्टरों के बारे में चीज़ें बताई गई है, जो उनके वार्ड में होता है उन सारी चीज़ों के बारे में बताई गई है। लोग हमेशा सोचते हैं कि मेल है फीमेल है, जेंडर हमेशा दिखते हैं कि ट्रीटमेंट कराने के पहले कि हमारे लिए डॉक्टर कौन है, जेंडर देखते हैं मेल या फीमेल, बट हमने वो देखना नहीं चाहिए, हमने उनका पेशा देखना चाहिए कि वो डॉक्टर है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये सारी चीज़ें मुझे इस मूवी से सीखने मिली। काफ़ी खूबसूरत तरीके से आयुष्मान खुराना ने इस उसमें डॉक्टर जी की भूमिका उसमें निभाई है, और उनके साथ ही साथ फातिमा का रोल प्ले कर रही है रकुलप्रीत सिंह, उनका भी किरदार बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं मुझे उनके अंदर फ्लॉस लगे, बट ओवर द टॉप आयुष्मान खुराना पूरे मूवी को कवर कर लेते हैं। स्टोरी काफ़ी बेहतरीन है, इसको मुझे ऐसा लगता है कि क्लास ऑडियंस ओनली कैन रिलेट विद दिस, एंड जो मतलब मेडिकल फील्ड में काम करते हैं या फिर मेडिकल फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, वो इस मूवी से ज़्यादा करके कनेक्ट कर पाएंगे, और वो इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा करके दिलचस्पी रखेंगे देखने के लिए।
मास ऑडियंस का मैं इतना कुछ खास कहना नहीं चाहूँगा, मास ऑडियंस को हो सकता है फिल्म पसंद ना आए, बट मुझे फिल्म पसंद आई है। तो मैं सारे दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जाइए मूवी देखिए। ये मूवी फैमिली एंटरटेनर नहीं है क्योंकि इस मूवी को ए सर्टिफिकेट मिला है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मतलब 18 प्लस वाले लोगों को ही देखनी उचित है, तो इसमें वो सारी चीज़ें दिखाई गई है। तो मैं सारे दर्शकों को ये अपील करूँगा कि जाइए मूवी का मज़ा उठाए, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी। और जाते जाते इस मूवी को मैं 3.5 स्टार देना चाहूँगा। क्या कुछ सीख आपने प्राप्त की जब मूवी के बाहर आ रहे थे, जैसे कोई ऐसी सीख जो काफ़ी अच्छी लगी हो मूवी? एक तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हमने जेंडर नहीं चेक करना चाहिए कि कौन डॉक्टर है, क्या है, मेल है या फीमेल है, वो डॉक्टर है और डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, ऐसा हम कहते भी है। तो वाई वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द जेंडर्स एंड ऑल। और दूसरी चीज़ उसमें ये भी दिखाया गया है कि जो मतलब 18 अंडर द एज रहते हैं उनके साथ जो संबंध बना लेते हैं उसके वजह से उसको तकलीफ होती है, जो जिसने बनाया उसको तो कुछ होता नहीं है, पर जो लड़की जिसके ऊपर ये बीत रहा है उसको तकलीफ होती है। फिर आदमी वो सारी प्रोसेस करना कि मतलब अबॉर्शन करना, ये होना, वो उसके लिए बहुत हानिकारक होता है, उसकी जान तक यहाँ तक जा सकती है। सो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए हमें, ये सारी चीज़ें। अरे खतरनाक वो, अरे भाई उसके लिए स्टार नहीं, उसके लिए चांद तारा देना चाहूँगा मैं। वो भाई साहब वो मतलब जिस ऐसा लगता है कि वो इन्वॉल्व है पूरे, ऐसा लगता है वही खुद डॉक्टर भी है और इसके पहले जितने भी पिक्चर है वही खुद मतलब कैरेक्टर वही है, उसके अलावा कोई कैरेक्टर नहीं, ऐसा मतलब रियल दिखाते वो, मतलब ऐसा कोई फेकिनिज्म नहीं है या फिर शुगर कोटिंग वाला ऐसा कुछ सीन नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू। कैसी लगी सर आपको मूवी? मूवी बहुत अच्छी थी। आयुष्मान जी का हर मूवी में कोई भी मिस नहीं करता, चाहे वो अंधाधुन हो चाहे कोई भी मूवी हो, हर मूवी में देखता हूँ। डॉक्टर जी भी उतना ही कमाल की मूवी है। मूवी के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे, किस तरह का कॉन्सेप्ट आपको लगा? मूवी का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा था, उसमें आयुष्मान जी का डॉक्टर बने थे, डॉक्टर का किरदार था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी कॉमेडी था। रघुप्रीत जी भी थे, उनका भी एक्टिंग काफ़ी कमाल का था। रघुप्रीत और आयुष्मान की केमिस्ट्री कैसी लग रही थी स्क्रीन? दोनों की केमिस्ट्री एकदम जमती थी, काफ़ी ओके था, लेकिन अच्छा था। सैफ अली जी भी थे इस मूवी में, उनका किरदार के बारे में क्या कहना चाहोगे? उनका भी किरदार अच्छा था, सब लोग जितने भी थे बाकायदा अपना किरदार निभाए, अच्छे से निभाए। 5 out of 5 कितने स्टार्स हो गए आयुष्मान को? आयुष्मान को 5 out of 5 देना चाहूँगा। रकुल पे 4 देना चाहूँगा। सैफ अली 4.5। ओवरऑल मूवी को 5 में से 5। देखिए मुझे आयुष्मान खुराना जी की हर मूवी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो बहुत ही अनकन्वेंशनल हीरो है और ये मूवी मुझे बहुत थॉट प्रोवोकिंग लगी डॉक्टर जी, और इसमें उन्होंने एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट का रोल निभाया कि क्या चैलेंजेस होते हैं और किस तरह फीमेल्स दे गेट ऑकवर्ड इफ़ देर इज़ अ मेल डॉक्टर यू नो डायग्नोसिंग देम, तो उस तरह से मुझे बहुत अच्छी लगी। सब्जेक्ट बहुत नया है, बहुत अच्छा है और बहुत एंटरटेनिंग है, बट एडल्ट्स के लिए है, ओनली फॉर एडल्ट्स ऑडियंस, क्योंकि डायलॉग्स वगैरह थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो एडल्ट्स देख के एंजॉय कर सकते हैं, एंटरटेनिंग है और साथ में सेक्स एजुकेशन है। कंटेंट वाइज कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा, जैसे मैंने कहा कि आयुष्मान खुराना बहुत ही अनकन्वेंशनल है, चाहे वो विकी डोनर हो जिसमें स्पर्म डोनर के ऊपर उन्होंने किरदार निभाया था, फिर बधाई हो जिसमें एक मिडिल एज औरत प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और फिर बधाई 2 जिसमें ट्रांसजेंडर दिखाया, फिर शुभ मंगल सावधान जिसमें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स दिखाए, फिर शुभ मंगल ज़्यादा सावधान जिसमें दिखाया गया कि होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर, गे सेक्स के ऊपर। तो हर मूवी में उन्होंने मतलब इतने अनकन्वेंशनल है, हर तरह की मूवी जो जितनी भी कॉन्ट्रोवर्शियल मूवीज हैं वो ही हैज़ ब्रोकन ऑल द स्टीरियोटाइप्स, ब्रोकन ऑल द नॉर्म्स एंड इमर्ज्ड विक्टोरियस, हर मूवी उनकी कामयाब हो जाती है। तो वो बिल्कुल मतलब मुझे तो लगता है कि आजकल में कोई भी हीरो में इतना दम नहीं है, क्यों राजकुमार राव भी हैं उस लीग में, कि भी कोई भी किरदार हो, चाहे वो गे का किरदार हो या नपुंसक का किरदार हो या कोई भी हो, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कन्विंसिंगली कन्विक्शन के साथ निभाते हैं वो। इस मूवी में शेफाली जी भी है, उनकी जी एक्टिंग के बारे शेफाली शाह जी ने जो भी सीन में आई बहुत ही अच्छा लगा, कैरेक्टर रोल है, वो वहाँ की हेड दिखाई हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बहुत अच्छा रोल है उनका भी, जिस तरह वो डांटती यू नो उनको फटकारती हैं, उनको सही राह पे लाने के लिए आयुष्मान को, बहुत अच्छा रोल है। और उनके साथ साथ रकुलप्रीत सिंह ने शी मेड हम प्रेजेंस फेल्ट, मुझे रनवे 34 में उनका रोल अच्छा लगा था, आज फिर से अच्छा लगा। और सबसे बेस्ट बात है एडिटिंग, प्रेरणा सहगल की एडिटिंग बिल्कुल क्रिस्प है, 2 घंटे की कहीं भी स्ट्रेच नहीं किया, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी इशिता नारायण की, और डायरेक्शन जो डायरेक्टर डेब्यूट है अनुभूति कश्यप जी की वो भी बहुत अच्छी है, तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा पैकेज है, कहीं भी आप बोर नहीं होंगे, और साथ में सेक्स एजुकेशन भी है। रेटिंग की बात करूँ आयुष्मान की, 5 out of 5 स्टार्स? आयुष्मान को तो मैं 4 दे सकता हूँ, मूवी को 3.5।